चाय वालों के पास जाने में लड़कियों को हेजिटेशन होगा, लेकिन चाय वाली के पास जाने में हेजिटेशन नहीं होगा। एक्चुअली मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन वो जो गवर्नमेंट जॉब का होता है ना कि आप प्रेशर में काम करते हैं। आपकी सैलरी फिक्स होगी? हमारी सैलरी फिक्स है और इनकी कुछ नहीं है। तो इनसे आपको क्या सीखने के लिए मिला है? इनसे हमें है वो लोग का अपना कोई बिजनेस में छोटा बड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चाय का टेस्ट कर लिया और मैम लोगों ने चाय भी पी लिया। तो यहाँ पे मैम जो है कहाँ से आए हैं और या फिर इनको जो है इनसे प्रियंका गुप्ता जी से क्या मतलब सीखने के लिए मिला है या फिर यूथ को क्या सीखने के लिए मिला है, मैम से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो मैम सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सुजाता। और आप कहाँ से आए हैं? राजीव नगर। तो मैम इनका चाय सबसे पहले टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़की हो के हमारे बिहार में जो कदम उठाई हैं हम लोगों के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। आज हम सब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जॉब से कहीं बेहतर अपना खुद का ओनरशिप लेके जो ये काम कर रही हैं, ये हम लेडीज के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिल सकता है और गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना लोग मारा मारी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो उसमें से ये निकल के कुछ अलग करने की कोशिश की है। तो इनसे आपको क्या सीखने के लिए मिला है? इनसे हमें ये सीखने को मिला है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब जो समझ में आए, जो आपको जच जाए, वो काम आप अपने दिल से कर लीजिए और मेहनत के साथ कीजिए, अपना 100% उसको दीजिए, तो वो सफलता मिल ही जाएगी। आज जो पब्लिसिटी प्रियंका जी को मिल रही है कि हम लोग अपने अपने घरों का चाय छोड़ के सुबह सुबह केवल इनसे मिलने के लिए आए हैं, इनके उस वर्क को देखने आए हैं कि कितनी मेहनत के साथ ये कर रही हैं। तो क्या दोबारा आप इनसे मिलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा जायसवाल हुआ। और आप कहाँ से आए हैं? शास्त्री नगर से। आप भी शास्त्री नगर से आए? जी। अच्छा, तो मैम बताइए कि इनका टेस्ट सबसे पहले कैसा लगा प्रियंका जी का? वो चाय जो है उनकी बहुत टेस्ट काफ़ी अच्छा है। वो नुक्कड़ की चाय जो कहते हैं, जो होती है स्पेशलिटी, वही उनकी चाय में है। अच्छा, तो आपने कौन सा फ्लेवर यहाँ पर ट्राई किया है? अभी तक दो चाय पी चुके हैं और तीसरी चॉकलेट वाली बाकी है। अच्छा, वो चॉकलेट वाली, यानी आप दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, आज मैंने दो चाय टेस्ट किया। अच्छा, आज ही दोनों चाय टेस्ट किया और तीसरी चाय भी पी के जाऊंगी। अच्छा अच्छा, मैम बोल रहे हैं कि दो चाय यहाँ पे उन्होंने टेस्ट कर लिया और एक और फ्लेवर यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, चॉकलेट फ्लेवर। जी। तो मैम इनसे मतलब क्या आपको मोटिवेशन मिला प्रियंका जी से क्या कुछ? एक्चुअली मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो जो गवर्नमेंट जॉब का होता है ना कि आप प्रेशर में काम करते हैं, इस पे कोई प्रेशर नहीं है, अपने पैर पे खड़ी है और अपना खुद की है, मालिक है ये। और इसमें पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये अगर जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा इनकम कर सकते हैं। आपकी सैलरी फिक्स होगी? हमारी सैलरी फिक्स है और इनकी कुछ नहीं है, जितना ये मेहनत करेगी उतना ग्रो अप करेगी। थैंक यू मैम आपका। मैम आप अपना परिचय बताइएगा। संचिता सोनी। और आप कहाँ से आए? आसियाना से। आसियाना से आए हैं। तो मैम आप बताइए कि इनके बारे में, प्रियंका जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूर्णिया से चल के आए हैं, यहाँ से पूर्णिया 300 किलोमीटर दूर पड़ता है और पूर्णिया के बीच में बहुत सारा यहाँ पे जिला पड़ता है, लेकिन ये पटना को ही क्यों चुने हैं, इसके बारे में अगर आपका राय क्या है आप बता सकते हैं मुझे? क्योंकि यहाँ पे पटना वुमेंस कॉलेज है, तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहें कि उतनी दूर से ये पटना को ही और पटना के वुमेंस कॉलेज के गेट को ही क्यों चुना? सोने दे बताएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में मैम बताएंगे, क्योंकि ये मतलब उस चीज़ को डिफाइन, मतलब बहुत अच्छा ये कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि कैमरा के साथ सामने कोई भी आता है फर्स्ट टाइम तो उनको हेजिटेशन होता है। तो मैम बताइए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इनसे उस क्वेश्चन का जवाब आप बताइए। इसने जो जगह चुना है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक तो गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स के आगे है, गर्ल्स का सपोर्ट है, महिला को प्रोत्साहित करेगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी सुरक्षा के ख्याल से भी ये अभी नया स्टार्टअप की है, तो ये बहुत अच्छा प्लेस है इसको ग्रो करने के लिए। ये इसका जो रोज का इनकम है ये फिक्स है कि यहाँ की लड़कियाँ आएंगी वो पिएंगी। बिल्कुल बिल्कुल पिएंगी। सही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे वुमेंस कॉलेज के, वो अगर उनको कभी भी इच्छा हो चाय पीने का तो यहाँ पे आसपास में कोई टी स्टॉल नहीं है और वो इसी लोकेशन पे आकर पिएंगे। और साथ ही साथ प्रियंका गुप्ता जी इसलिए इस लोकेशन को चुने, आपका कहने का मतलब कि यहाँ पे उनको सेफ्टी फील होगा, है ना? चाय वालों के पास जाने में लड़कियों को हेजिटेशन होगा, लेकिन चाय वाली के पास जाने में हेजिटेशन नहीं। सही बात, ये बात में आपका दम है मैम जी। और इनकी प्राइस भी ऐसी है ना कि कोई भी नॉर्मल इंसान कहीं से भी आके पी सकता है, चाहे जिसको पॉकेट मनी कम मिलता हो वो भी इनके चाय को जो है ना अच्छे से एंजॉय कर सकती है। प्राइस में कहीं से ऐसा नहीं है कि चाय की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है तो रेट भी हाई है, वो नहीं है, रेट एकदम नॉर्मल है, तो कोई भी आदमी आके एक दो बार तीन बार चाय इसका यूज कर सकता है। ठीक है,
मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आपने प्रियंका गुप्ता से क्या सीखा, इनसे क्या आपको मोटिवेशन मिला है? सीखने को यही मिला है कि लेडीज हो के अपने पैर पे खड़ी है, इससे बड़ा क्या चीज है, वो भी अकेले सारा कुछ कर रही है। अकेले अपना कर रही है। और चाय लगाना लोग सोचते हैं कि बहुत मतलब छोटा काम है, मतलब बहुत मतलब कहने का मतलब सब लोग है ना, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। लोगों का ऐसा मेंटेलिटी, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोगों का ऐसा मेंटेलिटी है, सोच है, सोच है वो लोग का अपना, कोई बिजनेस में छोटा बड़ा नहीं होता है। उसमें स्टार्टिंग में लोग कहते जैसे इनको मतलब ऐसा मतलब हम लोग वीडियो भी देखा है तो इनके घर के जो सदस्य घर के मतलब प्रॉपर नहीं तो बता के नहीं आए थे, लेकिन उनके जो जानने वाले थे उनको मतलब शुरू में उनको मतलब थोड़ा सा कर है कि ये चाय बेचने निकली है। और अभी क्या माहौल बन गया है कि उनके जितने भी रिलेटिव है दोस्त हैं अब इनको अच्छा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, इसलिए कि वो अपना लाइफ में आगे बढ़िए तो थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको कर रहे हैं। तो थैंक यू मैम आप सबका, थैंक यू।